बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद सलमा में आज हम बनाने लगे हैं चिकन का कीमा। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, आधा किलो चिकन, दो मीडियम साइज़ की टमाटर मैंने लिए थे उसको काट लिया है, आधी कटोरी तेल की, दो बड़े साइज़ के प्याज उनको भी मैंने काट लिया है, दो चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ओरिगानो, एक चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, आधे चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक। आप अपने हिसाब से ट्राई कर लेंगे। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए होगा हमें एक पैन। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी तेल, इसको थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। अब इसमें मैं ये प्याज डालूंगी, इसको लाइट ब्राउन करूंगी। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए, इसमें मैं दो चम्मच के अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, थोड़ा सा पकाऊंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसमें जीरा डालूंगी, सफेद मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पिसी हुई, टमाटर डाल दूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के उसको पकाऊंगी मैं। मैंने इसको 3 मिनट तक पका लिया है, मसाला थोड़ा सा नरम होना शुरू हो गया। अब इसमें मैं ये नमक ऐड करूंगी और इसमें आधा गिलास पानी डालकर कवर करके रख दूंगी। मीडियम फ्लेम पे मैंने आधा गिलास पानी डालकर फ्लेम मैंने मीडियम कर दी और कवर करके रख दिया है 10 मिनट तक पकने के लिए। मैंने पानी डाल कर रखा था, तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने कीमा डालना है, अब ये मैं इसमें डालूंगी कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी फ्लेम को तेज करके। साथ ही से मैं ये ओरिगानो डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर तो कवर करके रख दूंगी 5 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। इसको मैंने कवर करके रख दिया था। ये देखें हमारा चिकन कीमा रेडी हो चुका है।
अब इसकी मैं फ्लेम करूंगी बंद और इसको करूंगी डिश आउट। ये मैंने डिश आउट कर दिया, अब इसको मैं करने लगी हूँ गार्निशिंग। ये मैंने इस पर कटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, धनिया, और ये हरी मिर्च। मज़ेदार सा चिकन कीमा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई जरूर करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखें और कमेंट्स करके लाजमी बताएँ कि आपको मेरी डिश कैसी लगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।